हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पलवल भरवा फ्राई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg पलवल लिया है और बड़े साइज़ का पलवल लिया है। अब इसके किनारे को कट कर लेंगे और इसके स्किन को निकाल लेंगे। पूरा नहीं छिलेंगे, बस इसके हरे वाले जो स्किन होते हैं बस इसी को निकालना है इस तरीके से। और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आप इस तरीके से पलवल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे स्किन को निकाल लिया और अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद क्या करेंगे कि नाइफ़ की हेल्प से एक साइड से कट लगाएंगे इस तरीके से। पूरा नहीं कट लगाना है, बस एक साइड से लगाना है और चम्मच को उल्टा करके इसके बीच वाले बीज को निकाल लेना है। सारे बीज को निकाल लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये खाली हो चुका है, आपको मैं दिखाती हूँ खोल के इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह मैंने सारे पलवल को कट कर लिया है और सारे बीज को निकाल लिया है। और सारे बीज निकल चुके हैं और बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने मिक्सर जार लिया है, अब उसमें ऐड करेंगे 3 प्याज रफली चॉप किया हुआ। अब इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक और 8 से 10 कली लहसुन, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है। अब इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब मैंने कढ़ाई लिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है, ये सरसों तेल है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। और ये जो चटक जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे ये 3 प्याज बारीक कटी हुई है, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है। और इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस सॉटे करना है। आप देख सकते हैं जब इसका कलर थोड़ा हल्का चेंज हो जाए तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए यहाँ पे भूनेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसाले यहाँ पे भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने मसाला पीस के रखा था। सारे मसाले को डालने के बाद इसमें मैंने मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी लिया और इसे डाल दिया है और यहाँ पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक लगातार भूनेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे। और जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जिसमें मसाला पीसा था उसी जार को मैंने इस्तेमाल किया है। और सारे बीज को इसमें डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी भी नहीं डाला है और ये पीस के अच्छी तरह से पीस चुका है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे सारे बीज को और डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर भूनेंगे। और भूनने के बाद ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने बीज डाला है वो भी पक जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, ये होममेड गर्म मसाला पाउडर है, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है, आप तीखा खाते हैं तो डालें, और ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया आप ज़रूर डालें कि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे मसाला भून चुका है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ठंडा हो चुका है। अब इसे एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब एक पलवल लेंगे इस तरीके से जो हमने कट करके रखा था और हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं प्रेस करने के बाद बहुत ही आसानी से फिल हो जाती है इसके अंदर मसाले। और चम्मच की हेल्प से इसे सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। मसाला जो है एक्स्ट्रा नहीं डालें, जितना आए उसमें इतना ही डालेंगे, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी मसाले। और इस तरह से जब एक्स्ट्रा हो जाए मसाला तो इसे चम्मच की हेल्प से ऊपर से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और इस तरीके से सारे मैंने पलवल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसी तरह मैंने सारे मसाले को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, ये सरसों तेल है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें सारे पलवल को डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे ढक कर पकाएंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि पलवल हमारी कच्ची है। और ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे। और यहाँ पे एक साइड से पक चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसे एक साइड, अब दूसरी साइड से पलट कर
पका लेंगे और ढक्कन लगा के इसलिए पकाएंगे कि बहुत ही जल्दी पक जाती है, और इस खुले में पकाएंगे तो जल्दी हमारी पक नहीं पलवल गलेगी। और ढक्कन लगाकर मैंने इसे पका लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड से फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, और मसाले भी बाहर नहीं आए हैं। और इसी तरह मैंने सारे पलवल को फ्राई कर लिया है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, सभी साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।